जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं SSC CHSL के बारे में, इसमें फिजिकल में क्या क्या होता है और ये पहली बार हुआ है क्या फिर इससे पहले हुआ चुका हो चुका है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के बारे में। ये ग्रुप सी के अंतर्गत पोस्टें आते हैं इसके, और उसमें 1 मील रन के बारे में बताया हुआ है। 1 मील बात करें तो 1600 मीटर रनिंग के बारे में, 1.6 किलोमीटर जितनी आर्मी में रनिंग मांगी जाती है। ये आपके लिए 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी होती है। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, यानी आपके लिए ओनली पास करना है, इसका कोई नंबर नहीं मिलता है। और ये 1 मील की रन होती है, 1 मील की बात करें तो 1.6 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और ये बात कर लेते हैं क्या क्या रीजन में कितनी कितनी हाइट और वेट चेंज होता है, इस बारे में बात करते हैं। अगर वेस्टर्न हिमालयन के बारे में बात करें तो इसके अंदर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब के क्षेत्र आता है, तो इसमें 158 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मिनिमम। और आपका जो चेस्ट के बारे में अगर बात करें तो 75 होना चाहिए आपका बगैर फुलाए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाने के बाद होना चाहिए। लेकिन ये ओनली मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए नहीं है, क्योंकि फीमेल्स का कोई चेस्ट वगैरह नहीं नापा जाता है। और उसमें अगर वेट की बात करें तो 47.5 kg आपका वजन होना चाहिए। ईस्टर्न की अगर बात कर लेते हैं तो ईस्टर्न में सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम और हिल्स एरिया आ जाती है। उसमें अगर लंबाई की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका सीना सेम मांगा हुआ है 75 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद हम 5 सेंटीमीटर यानी 75 से आपको सीना होना चाहिए। और अगर इसमें वेट की बात करें तो 47.5 किलो इसमें आपको वजन होना चाहिए। बेस्ट प्लान रीजन की बात कर लेते हैं तो इसमें पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र आ जाते हैं, दिल्ली वगैरह के भी। तो इसमें अगर लंबाई की बात करें तो 162.5 आपकी लंबाई होनी चाहिए, और सीना वही सेम मांगा गया। और आपकी जो वेट की बात करें तो उसमें 50 किलो वेट होना चाहिए। और ईस्टर्न प्लेन की अगर प्लेन की बात करें, यहाँ पर पहाड़ वगैरह नहीं होते हैं जैसे यूपी की, बिहार की, वेस्ट बंगाल की, उड़ीसा, झारखंड की, तो उसमें आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका सीना सेम होता है, और उसमें आपका वजन 50 किलो होना चाहिए। और अगर सेंट्रल की बात करें तो उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें आपकी लंबाई 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका सीना सेम होता है, और उसमें आपकी वजन की बात करें तो 50 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और साउथ रीजन की अगर बात कर लेते हैं तो उसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पुडुचेरी, तेलंगाना का क्षेत्र आ जाता है। इसमें लंबाई की अगर बात करें तो 157 आपकी लंबाई मांगी गई है, और 75-80 आपका सीना होना चाहिए, और अगर वेट की बात करें तो 50 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें हम छूट के बारे में बात कर लेते हैं तो एक सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट होती है लंबाई में, 1 सेंटीमीटर की छूट होती है सीने में, और 2 किलोग्राम वजन की छूट होती है वेट में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे देख सकते हैं, ये गोरखा वालों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और कोई आपके लिए अगर प्रॉब्लम आते किसी प्रकार तो आप वीडियो को कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी तो लाइक करके हम बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।